हेलो फ्रेंड मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी ओ वी टी यानी गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू में आपका स्वागत है यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और नौकरी से संबंधित है इस वीडियो में लाइब्रेरियन सहित नॉन टीचिंग के विभिन्न पदों के बारे में बताने वाला हूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की तिथि के बारे में तो बीस फरवरी दो हज़ार फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि है और 24 फरवरी 2023 तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म संबंधित डॉक्यूमेंट के साथ इसमें जो एड्रेस दिया है इस एड्रेस पे पहुंचना चाहिए यानी 24 फरवरी 2023 तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म इसमें जो एड्रेस दी गई है इस एड्रेस पे पहुंचना चाहिए एप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो पाँच सौ रुपये अप्लीकेशन शुल्क है और जो डी डी बनाकर पे करना है डिटेल जानकारी वीडियो में मैं नीचे बताऊँगा इसमें अब बात करते हैं विभिन्न पद के बारे में कि लाइब्रेरियन सहित विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है तो इसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए एक पद है और सैलरी अठारह हज़ार से लेकर तीस हज़ार है यानी यह जो वैकेंसी है प्राइवेट नौकरी के लिए है कंट्रैक्ट बेसिस पे आवेदन आमंत्रित है और आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए यह जो नोटिफिकेशन है मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देता हूँ जिससे कि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अच्छे से सभी डिटेल जानकारी पढ़ लें उसके बाद ही आवेदन करें अब हम बात करते हैं जो दूसरा पद है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए हैं मैनेजर एडमिशन में एक पद है असिस्टेंट फाइनेंस ऑफिसर के एक एक पद हैं सैलरी चौदह हज़ार से लेकर तेईस हज़ार रुपये असिस्टेंट इंजीनियर सी और इलेक्ट्रिकल में एक एक पद हैं सैलरी चौदह हज़ार से लेकर तेईस हज़ार तक हैं जूनियर इंजीनियर सीबी और इलेक्ट्रिकल में एक एक पद हैं और सैलरी नौ हज़ार से लेकर सोलह हज़ार रुपये पर मंथ हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए एक पद है और सैलरी नौ हज़ार से लेकर सोलह हज़ार हैं इसी तरह से असिस्टेंट मैनेजर स्टूडेंट अफेयर का एक पद है सैलरी सेम है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए कुल दो पद हैं नौ हज़ार से लेकर सोलह हज़ार के बीच में सैलरी है असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम के लिए भी सैलरी सेम है प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए सैलरी सेम है सीनियर असिस्टेंट के लिए आठ हज़ार से लेकर चौदह हज़ार रुपये तक सैलरी है और कुल दो पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं इसके अलावा असिस्टेंट यानी सीनियर असिस्टेंट का दो पद हैं और अकाउंट असिस्टेंट के एक पद हैं छः से लेकर ग्यारह हज़ार पर मंथ सैलरी हैं असिस्टेंट के लिए भी तीन पद हैं और छः हज़ार से लेकर ग्यारह हज़ार सैलरी है पर्सनल असिस्टेंट का एक पद है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए एक पद है और सैलरी चार हज़ार से लेकर नौ हज़ार तक है जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए एक पद है चार हज़ार से लेकर नौ हज़ार तक सैलरी हैं जूनियर मैनेजर होटल गेस्ट हाउस के लिए दो पद हैं और सैलरी सेम है इसी तरह से चौफर के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं सैलरी बहुत कम है यानी तीन हज़ार से लेकर छः हज़ार तक हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए दो हज़ार पाँच सौ से लेकर पाँच हज़ार तक सैलरी है और प्लम्बर के लिए ढाई हज़ार से लेकर पाँच हज़ार तक सैलरी है और एक एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित हैं अब हम बात करते हैं कि यह जो वैकेंसी है कहाँ पर आया है तो नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर बिहार में आवेदन आमंत्रित हैं और यह जो पद हैं ऑन कॉन्टेक्ट या डेपुटेशन दे, बेसिस पे यानी प्राइवेट नौकरी के लिए है जो नालंदा बिहार में आवेदन आमंत्रित हैं क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल जानकारी आपको देखना है क्योंकि यह प्राइवेट वैकेंसी है और सैलरी बहुत कम है यदि प्राइवेट नौकरी आप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए और अपनी आवश्यकता के अनुसार अप्लाई कीजिए क्योंकि यह जो वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्ट बेसिस पे है प्राइवेट बेसिस पे है और इस तरह इस कॉल करके नीचे आते हैं नीचे आते हैं तो एक डिटेल जानकारी यानी जो नोट है इसका दिया गया है इंस्ट्रक्शन दिया गया है तो उसके बारे में यहाँ पर जनरल टर्म्स एंड कंडीशन यानी इंस्ट्रक्शन दी गई है तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है यहाँ पे जो आता है तो हम बात करते हैं आपके डीडी बनाने के लिए तो डीडी बनाने के लिए पाँच सौ रुपये अप्लीकेशन शुल्क है जो डीडी बनाकर पे करना है ये वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और और क्या क्या करना है सपोर्टी डॉक्यूमेंट लगाना है स्कैन करना है इसके बाद इसमें जो एड्रेस दी गई है इस एड्रेस पे सेंड करना है ये आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचने की जो तिथि है 24 फरवरी 2023 से पहले एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचना चाहिए यहाँ पे एड्रेस दिया गया है जिस एड्रेस पे आपको अप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है और बाई स्पीड पोस्ट या हाँ स्पेश पोस्ट के द्वारा आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है बाई इस पोस्ट के द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है तो फ्रेंड इस चैनल पर डेली सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाता है और इस चैनल का नाम जी ओ वी टी गवर्नमेंट और जॉब्स फॉर यू है तो इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें वेल नोटिफिकेशन